विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अमरवाला में सुबह 11 बजे से करीब 37% 11 बजे तक करीब 37% वोटिंग हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग जारी है, शाम को 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। और इस सीट पर कुल 2,57,866 मतदाता हैं, जिनमें से 1,29,372 पुरुष और 1,28,492 महिला। चुनाव के लिए कुल 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,485 मतदान कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। यहां पर मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। सुबह 11 बजे तक 37% मतदान हो चुका है। क्या माहौल है वोटिंग को लेकर, अमरवाला लिए चलते हैं। आपको सीधे दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, कितना उत्साह देख रहे हैं आप लोगों में, 37% वोटिंग अभी तक हो चुकी है 11 बजे तक का। बिल्कुल, ये आंकड़े सुखद हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग की ये कोशिश होती है कि चुनाव कोई भी हो मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो जिस तरीके से चुनाव हो रहा है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो निर्वाचन आयोग को राहत की सांस देंगे। इस वक्त मैं हरई में मौजूद हूँ, जो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ के एक बूथ में आप देख सकते हैं कि स्कूल में बनाया गया और किस तरीके से लंबी लाइनें इस समय लगी हुई हैं। तकरीबन 12 बज गया है और सुमित और सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अलग अलग बूथों पर जा रहा हूँ। सुबह जरूर थोड़ी सी हमें भीड़ कम मिली, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे दोपहर हो रही है, वैसे वैसे लोगों का घरों से निकलना शुरू हो गया। लेकिन हो सकता है कि शायद इस उत्साह में बारिश हल्का फुल्का खलल डाले, क्योंकि मौसम थोड़ा सा बिगड़ रहा है, हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। लेकिन ये देखिए, ये लंबी लाइन, ये सुखद तस्वीर है उस चीज की कि लोग जो है जागरूक है, चाहते हैं कि घरों से निकले, वोट दें। और ये लंबी लाइन ये दर्शाती है कि उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव में भी लोग उत्साह के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले हैं। महिलाएं लंबी कतारों में निकली हैं, युवा कतारों में निकले हैं, और निश्चित तौर पर एक बड़ी अच्छी बात है, आप लोग वोट देने आए हैं जी। कितना उत्साह है, सभी वोट देने आए हैं? हाँ, सभी आए सर, सभी वोट देने आए हैं। चलिए, किस मुद्दे पर वोट देंगे? विकास। किस मुद्दे पर वोट देंगे? विकास। विकास के मुद्दे पे। बिल्कुल, तो देखिए सभी महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, और पुरुष भी आए हैं। आप वोट देने आए भी साहब? हाँ। कितना उत्साह है गाँव में, सभी वोट देने आ रहे हैं? हाँ, सभी। बिल्कुल, तो देखिए आप लोग वोट देने आए हैं? कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत 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 उत्साह है। तो देखिए, ये उपचुनाव है, लेकिन अभी हाल ही में हमने देखा लोकसभा चुनाव से आम जनता फ्री हुई है, लेकिन अमरवाड़ा उपचुनाव, अमरवाड़ा क्षेत्र में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद फिर ये उपचुनाव की स्थिति बनी। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ये सुखद है, और इस चीज के लिए कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। आप भी अभी वोट देने आए हैं भाई साहब, पूरी तैयारी के साथ? बिल्कुल। किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्योंकि ये उपचुनाव है, एक विधायक जो है छोड़ के गए थे पार्टी, फिर अपने तरीके से, तो उत्साह है लोगों में? विकास नहीं, उत्साह है, और लोग कमलेश शाह के प्रति अपनी श्रद्धा बता रहे हैं, क्योंकि उनको आगे जाके मंत्री पद ही मिलना है। अच्छा, ये उम्मीद है यहाँ की जनता को, क्योंकि कमलेश शाह जो है वो 3 बार के लगातार विधायक रहे हैं, और लेकिन इस बार त्रिकोणी मुकाबला है। जिस तरीके की तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हुंकार भरी है, कांग्रेस ने भी जो दांव खेला है वो बड़ा ही धार्मिक तरीके का दांव खेला है, क्योंकि जो धीरन शाह जिनको टिकट दी गई है वो एक धार्मिक परिवार से रखते हैं, और एक ऐसी जगह से वो पहचान रखते हैं जहां पर लोगों की श्रद्धा है। तो निश्चित तौर पर ये जो मुकाबला है इस बार काफ़ी त्रिकोणी है, और यही वजह है कि लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। और 37% वोटिंग अभी तक हो चुकी है, जैसे ऐसे दिन आगे बढ़ेगा वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा। दुर्गेश, बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अब रायपुर की बात कर लेते हैं। बीजेपी कार्य समिति की बैठक यहां पर जारी है, रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में बैठक हो रही है। कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस बैठक में शामिल हैं, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में मौजूद। इतने मदमस्त हो गए हैं कि सीमाएं तोड़ तोड़ करके और अपनी बयानबाजी करने लगे, और कहते क्या है कि ये जो हमारी सरकार है ये अल्पमत की सरकार है। अब अल्पमत की सरकार समझने के लिए शायद स्कूल में गणित पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन सामान्य गणित है कि 272 में बहुमत प्राप्त होता है, जबकि एनडीए की कुल सीटें 290, यानी बहुमत से 18 सीटें ज्यादा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर अल्पमत की सरकार कैसे हो गई, लेकिन चूंकि खुशी मनानी है
बनाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो इस बहाने से वो इतना आगे बोल गए अभी इस बार लोकसभा में जो भाषण हुआ नेता की पक्ष का, अल्पमत में अगर उनसे मैं पूछूं कि आखिर उन्होंने भी 2004 में और 2009 में सरकार बनाई थी, 2004 के आंकड़े शायद वो भूल गए हैं कि 2004 में जो यूपीए का भी अपना बहुमत नहीं था, कांग्रेस का तो था ही नहीं, कांग्रेस की 2004 के अंदर कुल 145 सीटें ये आई थी, ये इतिहास बताता है कि कोई उसमें कहीं किसी प्रकार की गणना में कोई अंतर नहीं, 145 सीटें थी कांग्रेस की। और अगर यूपीए की सरकार को, यूपीए की दल को कुल अलायंस को अगर मान लें तो उस समय 225 सीटें यूपीए की, 272 नहीं थी। हाँ, अन्य थर्ड फ्रंट के लोगों को मिला करके उन्होंने सरकार चलाई, वो थी अल्पमत की सरकार, थर्ड फ्रंट को बाहर से सपोर्ट करता। और इसी प्रकार 2009 में कांग्रेस की सीटें आई थी 206 और अलायंस की कुल मिलाकर के भी हुई थी 262, 272 तक भी नहीं थी, अल्पमत की सरकार तो वो थी। और आज ये 290 को करके अल्पमत की सरकार है तो भगवान जाने कौन से स्कूल में अपने पढ़ते आए। वहीं बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज हो रही है और जिसमें बस्तर सांसद महेश कश्यप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बस्तर के सांसद हैं वो पहुंचे हुए महेश कश्यप जी। कश्यप जी, आज बड़ी बैठक है, क्या कहेंगे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं के से बना हुआ पार्टी है, कार्यकर्ता के दम पर विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में आज पहचाना जाता है। इसलिए बीच बीच में हमारा संगठनात्मक कार्यक्रम होते रहता है। आज प्रदेश कार्य समिति के सदस्य क्योंकि हमारे देवतुल्य सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत हमने छत्तीसगढ़ में लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, राज्य विधानसभा का चाहे लोकसभा हो, आने वाला समय में त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव भी है, नगर निगम नगर पंचायत का चुनाव, इसलिए और इसके साथ साथ संगठन का विस्तार को लेकर फिर हमारे जो हमने जो समाज को जो संकल्प हम लोग संकल्प पत्र के माध्यम से वादा किया उसको भी पूरा करना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे को लेकर आज ये प्रयोग। उधर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक को लेकर टंकराम वर्मा ने कहा कि मंडल स्तर तक के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा जी, उन्हें से बातचीत कर लेते हैं, आज बड़ी बैठक है, मंत्री जी क्या कहेंगे? देखिए, आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और बहुत बड़ा बैठक है और हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आज प्रदेश के और राष्ट्रीय नेता भी आ रहे हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा, उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कुछ और खबरों की। राज्य में आवासीय पट्टे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, तहसील मुख्यालय के सामने लोगों ने धरना दिया है, नगर पंचायत के कई वार्डों के लोग इसमें शामिल हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद। तो राज्य में आवासीय पट्टे की मांग को लेकर प्रदर्शन, देखिए महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई आपको नजर आएंगी तस्वीरों में, तहसील मुख्यालय के सामने धरना दिया गया है, नगर पंचायत के कई वार्डों के लोग शामिल हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे गरियाबंद संवाददाता पुरुषोत्तम पात्रे जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, क्या कुछ जानकारी है, क्या माहौल अभी वहां पर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये राजिम के करीब 15 वार्ड का नगर पंचायत है जिसमें से आधा से ज्यादा वार्ड में करीब 200 ऐसे लोग हैं जिनको आज तक के उनकी रहवास जमीन का पट्टा नहीं मिला है और पट्टा नहीं मिलने के कारण उनको पीएम आवास की भी मंजूरी नहीं मिली है। सरकार चाहे लाख दावा करे गरीबों तक पीएम आवास पर पहुंचाने का, लेकिन कुछ ऐसे इस राज्य में वार्ड में मौजूद लोग हैं जिनकी संख्या 100 से ज्यादा है, उनको जब वो जब फॉर्म दाखिल करते हैं तो उन्हें पट्टा उनकी निर्माण के लिए जो निर्धारित जमीन है उसके लिए पट्टा भी देने पट्टा संलग्न करने का जो है वो भी ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन इस पट्टा के कमी के कारण आज आवास भी नहीं है इनके पास, कच्चे झोपड़े में मकान में रहते हैं, कभी बंदरों के उत्पात तो कभी जानवरों के उत्पात, सारा चीज झेलना पड़ता है, पानी बरसात गर्मियों में भी इनकी भारी परेशानी होती है। ये लगातार पिछले 40 से 50 वर्षों से लगा हो रहे हैं, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी आज तक के पट्टा की मांग कर रही है, लेकिन इसमें से अभी 40% लोगों को रमन पट्टा और भूपेश के समय मिला हुआ है, लेकिन अब भी 100 ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक पट्टा नहीं मिला है, जिसके कारण आज आक्रोश फूटा है और 100 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पे तहसील मुख्यालय में पहुंची हुई हैं। यहाँ तक कि ये नारा लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में ये नगर पंचायत के चुनाव का बहिष्कार भी करेंगी, वोट नहीं तो पट्टा नहीं तो वोट नहीं, इस तरह के नारे लग रहे हैं।
क्योंकि माहौल काफी संवेदनशील, माहौल काफी गर्म हुआ है, मामला संवेदनशील है, लोगों की संख्या काफी है, कम से कम एक परिवार जैसे 100 लोग हैं तो कम से कम 800 से 900 मतदाता इस योजना को लेकर प्रभावित है। ऐसे में वार्ड पार्षद हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी समर्थन देने पहुंचे हुए हैं, लोगों की मांग को जायज बताया जा रहा है। और ठीक है पुरुषोत्तम, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से खबर है, जल्द ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा होगी, उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित करने की तैयारी में है राज्य सरकार, संचालनालय स्तरीय नियम संशोधन समिति पेश करेगी रिपोर्ट। उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति 2007 में किया जा रहा है संशोधन, 2018-19 से पूरी प्रक्रिया पर लगा दी गई थी रोक। तो उत्कृष्ट खिलाड़ी नीति 2007 में संशोधन किया जा रहा है, 2018-19 से पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी और जल्द ही अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा होगी छत्तीसगढ़ में। संचालनालय स्तरीय नियम संशोधन समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी इसको लेकर। वहीं छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है, 32 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल है पटवारियों की, ये सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पटवारी। राजस्व विभाग के कामकाज में सीधा असर इसका पड़ रहा है, राजस्व पखवाड़ा के बीच पटवारी हड़ताल कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने, और बड़ी संख्या में पटवारी काम बंद हड़ताल पर है, अनिश्चितकालीन हड़ताल उनकी, तीसरा दिन है पटवारियों की हड़ताल का, 32 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं सभी जिला मुख्यालयों के पटवारी, धरना प्रदर्शन जारी है। राजस्व विभाग के कामकाज में इसका सीधा असर पड़ रहा है, राजस्व पखवाड़ा के बीच ही पटवारियों की हड़ताल जारी। बारिश में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, DRG के जवानों ने बीना गुंडा इलाके में एक महिला नक्सली को मार गिराया, इस ऑपरेशन के लिए जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, बारिश के दौरान पूरी रात जंगल में नदी नाले के अलावा कीचड़ भरे रास्ते को पार कर कैंप पर पहुंचे, जहां नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली को मार गिराया, सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई। बारिश के दौरान अति नक्सल संवेदनशील इलाके बीना गुंडा तक पहुंचना काफी मुश्किल था, हालांकि जवान 12 किलोमीटर लगातार चलते हुए नक्सलियों के कैंप से महज 1.5 किलोमीटर पहले तक पहुंचे। बता दें कि नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को पीने का पानी भी नहीं मिला, जिसके बाद जवानों ने बारिश का पानी ही पिया है, पानी तो जवानों ने बारिश का इकट्ठा किया था और इससे प्यास बुझाई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत हम करेंगे कांकेर संवाददाता तामेश्वर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तामेश्वर, ये बताता है कि कितने कठिन हालातों में जवान हमारे जाते हैं जंगली इलाकों में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए, लोहा लेने के लिए। बिल्कुल सुमित, अब तक बारिश में नक्सली स्वयं को बिहड़ इलाकों में सुरक्षित समझते थे, लेकिन बारिश के दौरान जंगल में पुलिस और ऑपरेशन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कई बार नदी नालों को पार होने के कारण उन्हें नक्सलगढ़ में फंसने की ज्यादा आशंका रहती थी, लेकिन इस बार जो है जवान जो है उस इलाके में गए, बीना गुंडा इलाके में जो कीचड़ भरा रास्ता है, नाले पड़ते हैं, उन नालों और कीचड़ भरे रास्तों को पार करके गए और जो नक्सलियों का जो डेरा था वहां जो है धावा बोला और वहां जो है मुठभेड़ हुआ और एक महिला माओवादी को जो है मारा गया। जी सुमित, बहुत शुक्रिया तामेश्वर तमाम बातचीत जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। उधर रायपुर में कमजोर मॉनसून ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, राज्य के बड़े बांधों के हालात में सुधार नहीं है, प्रदेश के बांधों में 34% जल का भंडारण बचा हुआ है, रह गया है। वहीं धमतरी के गंगरेल बांध में एक पखवाड़े के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं, कम बारिश से हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं, बांधों में कम ही पानी बचा हुआ है, प्रदेश के बांधों में 34% ही पानी बचा हुआ है। उधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिव हैं, 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, भोपाल इंदौर में हल्की बारिश हो सकती है, जबलपुर ग्वालियर में हो सकती है बारिश और निवार रीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है मौसम विभाग की तरफ से, भोपाल इंदौर में हल्की बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। वहीं बात करें जबलपुर ग्वालियर की तो यहां पर भी बारिश की संभावना जाहिर की गई है और निमाड सीजन में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया।
उधर छत्तीसगढ़ में फिर से शुरू होगा बारिश का दौर। 11 से 13 जुलाई तक मॉनसून एक्टिव रहेगा। कई जिलों में हल्की बारिश होगी। 13 जिलों में अब तक औसत बारिश हुई है। प्रदेश में अब तक 214.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब तक 260 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। 13 जिलों में अब तक औसत से कम बारिश दर्ज की गई छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में अब तक 214.4 मिलीमीटर बारिश हुई। अब तक 260 मिलीमीटर बारिश होनी जा रही थी, लेकिन अभी तक कम बारिश हुई है। लेकिन फिर से मॉनसून एक्टिव होने वाला है। 11 से 13 जुलाई तक मॉनसून एक्टिव रहेगा और इस दौरान अच्छी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के जबलपुर रेल मंडल के कटनी एनकेजे में सबसे बड़ा रनिंग रूम बनाया गया है और वैसे तो इरकॉन कंपनी ने इसे साल 2021 में ही बनाकर तैयार कर दिया था, जो अब पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इस रनिंग रूम में प्रतिदिन लगभग 200 से 250 रेलवे कर्मचारी आकर आराम कर सकते हैं। रनिंग रूम में 128 बेड हैं। प्रत्येक कमरे में 2 बेड और अटैच वॉशरूम है और इसके साथ ही किचन, योग करने और जिम करने की व्यवस्था सहित मनोरंजन की भी व्यवस्था यहां पर की गई है, जिसमें लोको पायलट आराम कर सकते हैं। विस्तार न्यूज़ संवाददाता यश खरे ने रनिंग रूम का जायजा लिया। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि यह कोई सोसाइटी नहीं बल्कि एक रेलवे का रनिंग रूम है, जहां पर लगभग 128 बेड वाला रनिंग रूम ये तैयार किया गया है, जिस पर प्रतिदिन 200 से 250 कर्मचारी यहां पर रुक सकते हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ओपन जिम भी है कि अगर किसी को जिम करना हो, योग करना हो, तमाम तरह की यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जबलपुर रेल मंडल के PRO BN गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। सर, तमाम तरह की व्यवस्थाएं रनिंग रूम के लिए की गई हैं। पहली बार जबलपुर मंडल का सबसे बड़ा रनिंग रूम तैयार हुआ है। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हमारे जबलपुर मंडल में जो रनिंग रूम है उसमें सबसे बेस्ट हमारा जो रनिंग रूम है कटनी जंक्शन का है। यहां पर हमने ड्राइवर्स और गार्ड्स जो लोको पायलट हैं, सहायक लोको पायलट हैं, उन सब के लिए तमाम लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बात की जाए तो जिस तरह से ट्रेन हादसे होते हैं, ड्राइवर तनाव पर रहते हैं, थके हुए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आराम करने के कारण हादसे भी अब कम होंगे। बिल्कुल, ये उसी दिशा में हमारे जो कदम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा है कि लोको पायलट जो है उनकी ड्यूटी बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है और वो जब अपना पूरा 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं तो हम चाहते हैं कि वो घर से दूर रहें, तो घर से दूर उनको घर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का रेल प्रशासन का पूरा प्रयास है। रेलवे अपने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही है, उसमें एक रूप ये भी है कि रनिंग रूम पर वह अपना घर जैसा माहौल ले सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, अगर जिम करना है तो वह भी कर सकते हैं। तमाम तरह की रेलवे के द्वारा व्यवस्थाएं करके रनिंग रूम को जो है तैयार किया गया है। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स नीमच की टीम ने लाखों रुपये का डोडा चूरा बरामद किया है। डोडा चूरा की तस्करी ऑयल कंपनी के विज्ञापन की आड़ में मिनी ट्रक से हो रही थी। बता दें कि मिनी ट्रक का चालक फायरिंग के बाद फिल्म स्टाइल में पकड़ाया। अधिकारियों के मुताबिक जिले में नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों को सूचना मिली थी कि ऑयल कंपनी का प्रचार करने वाले मिनी ट्रक के जरिए मध्य प्रदेश से डोडा चूरा राजस्थान ले जाया जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने 2026 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। अलीराजपुर जिले में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पर स्वयं सहायता समूहों से रिश्वत लेने के आरोप लगाए कई लोगों पर और इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से कई बार की जा चुकी है, मगर जिले में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आज भी रिश्वत का खेल खुलेआम चल रहा है और अभी तक भ्रष्ट अधिकारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वहीं रायपुर में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया, लता उसंडी को लेकर दिया है बड़ा बयान। उनका कहना है कि उत्साह जिस हिसाब से है मंत्री बन जाएंगे। लता उसंडी को लेकर बोले हैं मनोहर लाल खट्टर, कहा है कि उत्साह जिस हिसाब से है मंत्री बन जाएंगी। जी हां, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सहायक कैबिनेट का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इसी बीच मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान है लता उसंडी को लेकर। वो कहते हैं कि उत्साह जिस हिसाब से है मंत्री बन जाएंगे। कभी उत्साह आया उन्होंने शायद मंत्री बनाने की बात से ज्यादा उत्साह आ रहा है।